हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, इस समय नवरात्रि चल रही है, आज नवरात्र का पहला दिन है, तो हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं साबूदाना की खिचड़ी। फलाहार साबूदाना की खिचड़ी बनाने के लिए हमने क्या किया है, ये साबूदाना को भिगो लिया है, भिगो के छान के रख दिया था, तो ये देखिए दाने दाने जैसे हो गए हैं। और थोड़ी सी मैंने मूँगफली ले ली है, इसको मैंने धुल लिया है ये सारी चीज़ें, क्योंकि मार्केट की चीज़ें गंदी भी होती हैं, तो इसलिए मैंने सारे सामान को धुल लिया है। और ये करी पत्ता कुछ ले लिए हैं और हरी मिर्च ले ली है, क्योंकि फलाहार में लाल मिर्च का यूज़ नहीं होता है। और तड़का लगाने के लिए मैं ले लूँगी जीरा, उसको भी मैंने धुल लिया है। तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले ये मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा घी डाल दिया है, देसी घी। अब देसी घी में हमें क्या करना है, जीरा जो मैंने धुल के रखा था इसको डाल दूंगी, तड़का लगाऊंगी। इसको डालने के बाद अब हम सबसे पहले मूंगफली के दाने डाल देंगे। मैंने मूंगफली के दाने डाल दिए, इनको अच्छे से रोस्ट कर लेंगे धीमी आंच पे। देखिए इनको चलाते हुए ऐसे हम रोस्ट करेंगे, अच्छे से भून लेंगे, नहीं तो कच्चापन रहेगा मूंगफली के दानों में। ऐसे थोड़ी देर ऐसे चलाते हुए इसको हम पकाएंगे, भूनेंगे। ये देखिए दाने हमारे मूंगफली के तड़कने लगे हैं, तो अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और दाने निकाल लेंगे। ये देखिए मैंने दाने निकाल लिए हैं सारे। अब इस कढ़ाई में जितना ये तेल है, जीरा भी है, इसी में हमें करी पत्ता डाल देना है। ये देखिए इसको ऐसे हम चला लेंगे। और अब हमें क्या करना है, इसी में ये साबूदाना डाल देंगे। साबूदाना डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें डाल देंगे ये फलाहारी नमक होता है जो व्रत में खाया जाता है, ये स्वादानुसार डाल देंगे इसमें। ये डाल के और इसको थोड़ी देर के लिए हम ढक देंगे, फिर कोई एक या दो मिनट के लिए। एक दो मिनट हो चुके हैं, अब हम इसको देखेंगे ढक्कन निकाल के। ये देखिए ये हल्का हल्का सा चिपकेंगे, लेकिन ऐसे जब भूनेंगे और पारदर्शी ये हो जाएंगे, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कलर के हो जाएंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे ये मूंगफली के दाने। मूंगफली के दाने मैंने डाल दिए इसमें, इसको थोड़ी देर ऐसे ही फिर पकाएंगे, तो ये दाने जो है ये अलग अलग हो जाएंगे सारे और पारदर्शी भी हो जाएंगे। ये हमारी खिचड़ी ऐसे बनके फलाहार रेडी हो जाएगी। तो ये देखिए दोस्तों, खिचड़ी हमारी लगभग बनकर रेडी है, दाने सारे पारदर्शी होने लगे हैं। अब हम अभी थोड़ी देर में इसको सर्व करेंगे। ये खिचड़ी हमारी बनके रेडी है, अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे सर्व करेंगे। ये आप व्रत में अच्छे से खा सकते हैं। देखिए फटाफट हमारी साबूदाना की खिचड़ी हेल्दी और टेस्टी बनकर तैयार हो गई है। तो ये देखिए दोस्तों, खिचड़ी हमारी बनके रेडी है, तो आप लोग खाइए व्रत में और अच्छे से हेल्दी रहिए। तो अगर ये रेसिपी आप लोगों को साबूदाना की खिचड़ी की पसंद आई हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और पास में दिख रही बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हम जो वीडियो डालें वो आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगली रेसिपी के साथ। थैंक यू।